उज्जैन शहर को शर्मसार कर देने वाली अब तक सबसे अमानवीय घटना के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाला युवक ही निकला, जिसकी गोद में 5 साल की मासूम खिलखिलाया करती थी। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि जिसकी गोद में वहां खेल रही है वह युवक उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम देगा। उज्जैन शहर में एक दिन पहले सिपरा नदी के घाट पर 5 साल की मासूम का अर्धनंग हालत में शव मिला था। शव पासी में संचालित ईंट भट्टे पर काम करने वाली दिहाड़ी मजदूर की बेटी का था। मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसका सिर ईंट से कुचलकर नदी में फेंक दिया गया था। मासूम की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने लिखवाई थी। वहीं दादा दादी के पास सोते हुए वह लापता हो गई थी। मासूम के लापता होने की सूचना मिलते ही महाकाल थाना पुलिस उसकी तलाश में जुट गई, जिसके कुछ घंटे बाद ही मासूम का तैरता हुआ शव नदी से बरामद किया गया। घटना के बाद मासूम के शव का पीएम करवाया गया। डॉक्टर की पैनल ने शव का पीएम किया, जिसकी रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आरोपी को ढूंढने में जुट गए और करीब आधा दर्जन संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। मामले में पुलिस और पीएम करने वाली डॉक्टर की पैनल दोनों को आरोपी के परिचित होने की शंका थी, जिसके चलते पड़ोस में रहने वाला युवक शिवराव मराठा से पूछताछ की गई। ये युवक हार फूल बेचने का काम करता था, जबकि इसके पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। शिवा का पूरा परिवार ईंट भट्टे पर ही रहता है। जब पुलिस ने शिवा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, तब शुरुआत में तो उसने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसके द्वारा दिए गए बयान और उसकी सत्यता की जांच की तो सत्य सामने निकल कर आ गया। एसपी सचिन अतुलकर ने इस पूरे मामले में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, पास्को सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। ये थाना महाकाल क्षेत्र का मामला है और काफ़ी दुखद ये घटनाक्रम हुआ, जिसमें 5 वर्षीय जो बच्ची है उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा शुरू से ही, चूँकि महत्वपूर्ण प्रकरण था, इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने और सभी हमारे जो एक्सपर्ट टीम है घटनास्थल विजिट किया, प्रारंभिक साक्ष्य एकत्रित किए और जो संदेही थे प्रकरण में उनकी जानकारी निकाली गई। और घटनाक्रम इस प्रकार का था कि कोई परिचित व्यक्ति के द्वारा ही घटना की गई होगी, ये संदेह पुलिस को था, इसलिए वो सभी व्यक्ति संदेह के घेरे में आए जो आस पड़ोस में या परिजन हैं। पूछताछ करने पर पुलिस ने संदेही में से एक आरोपी ने घटना करना स्वीकार किया और उसने पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी दी कि किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम उसके द्वारा किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके और भी अन्य साक्ष्य जो एकत्रित करने थे वो प्रकरण में किए हैं। और चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसे चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण में भी रखा गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि जल्द से जल्द चालान प्रस्तुत करके न्यायालयीन प्रक्रिया में भी अधिकतम सजा दिलाई जाए। सर, इसमें इसके चाचा का और इनका भी नाम आ रहा था, क्या? चूँकि ऐसे घटनाक्रम में शुरू से ही संदेह उन लोगों पर जाता है जो जानकार हों, परिचित हों, तो इसलिए परिजनों पर भी शुरू में संदेह गया था। सर, इसने क्या काफ़ी दिन तक रेकी वगैरह करी थी, क्या करा था? रिपीट करें क्वेश्चन। रेकी नहीं, रेकी करने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी उसको, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला है, पड़ोस में ही रहता है, तो ये पहले से ही परिचित था, जानकार था स्थान, कमरे का, खेत का, घाट का, वो सारी जानकारी पूर्व से ही थी आरोपी के पास। ये अब पूछताछ में क्लियर होगा कि नशे का आदि था या नहीं था, लेकिन जो जानकारी पुलिस को मिली है, जो पूछताछ में सामने आया, उसको ये पूरा स्पष्ट स्मरण है कि किस प्रकार से उसने घटनाक्रम किया है, तो लगता है संपूर्ण होशोहवास में इसने घटनाक्रम किया।